दोस्तों, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना और वो ड्रीम जॉब हासिल कर लेना, ये भी लॉटरी जीतने से कम थोड़ी ना है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आज की सक्सेस स्टोरी में, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हमारे स्टूडेंट ने मैनिफेस्ट कर ली बैंक में पीओ की पोस्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नहीं हो पा रही है, जॉब चाहिए, प्यार चाहिए, सब्सक्राइब जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी भैया, वाइब्रेशंस अलाइन कैसे होंगी? फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, ये रहे हेल्पलाइन के नंबर, फटाफट से संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम भेजिए। जिंदगी बेहतर नहीं, जिंदगी खूबसूरत बनाइए और अपनी सक्सेस स्टोरी भेजिए, मैं तहे दिल से इंतजार कर रहा हूँ। चले पढ़ लेते हैं आज की ये खूबसूरत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी, जो आपकी वाइब्रेशंस को अलाइन कर देगी। हमारे स्टूडेंट लिखते हैं, हेलो ऋषभ सर, जय श्री कृष्ण, मेरा नाम सर्वेश गुप्ता है, मैं बिलासपुर से हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपकी वजह से अपना ड्रीम पूरा कर पाया, आपकी वजह से बैंक पीओ की एग्ज़ाम क्लियर की, अब मेरी जॉइनिंग है। आपसे कांटेक्ट करने से पहले मैंने दो बार एग्ज़ाम दी बट क्लियर नहीं कर पाया। मैं परेशान हो चुका था सर, फैमिली में एक ही लड़का हूँ, मैं पहले से ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था। लास्ट टाइम जब मैं फेल हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आपके वीडियोस देखूं, और मैंने आपकी विजुलाइजेशन टेक्निक फॉलो की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दिन आपकी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया, आरओ सर के साथ मेरी बात हुई, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। सर ने मुझे कहा कि आप कामाख्या देवी यंत्र लीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आरओ सर ने मुझे गाइड किया, बताया, और कामाख्या देवी यंत्र मिलने के बाद जैसे आपने बताया था, मैंने एग्जैक्टली 9 दिन का रिचुअल उसी तरह से पूरे दिल से फॉलो किया। उसके बाद मेरी एग्ज़ाम हुई, बट उसके बाद भी मुझे बहुत डर लग रहा था। जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले मुझे आपका चेहरा याद आया, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने मम्मी पापा को भी बताया कि थैंक यू सो मच ऋषभ सर मुझे खुशी देने के लिए। मेरी ज्वाइनिंग हो गई, मैंने सोच रखा था कि मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं मम्मी पापा के लिए ज़रूर एक गिफ्ट लूँगा, लेकिन रिजल्ट के दिन आपका चेहरा नज़र आया। ये मन में ठाना था कि मेरे गुरु के लिए अगर मैं ना ला पाया कुछ मेरी सैलरी से तो मैं शिष्य कैसा। तो सर, आपके लिए मैंने गिफ्ट भेजा है, मैं चाहता हूँ जिस दिन ये गिफ्ट रिसीव हो और आप फ्री हो तो ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करें और सारे स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें मोटिवेशन मिले। ये एक छोटा सा गिफ्ट मैं भेज रहा हूँ आपके लिए, ये एक गुरु दक्षिणा तो नहीं है बट ये मेरा प्यार है आपके लिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच ऋषभ सर, थैंक यू सो मच आरव भैया, जय श्री कृष्ण, कामाख्या देवी आपको खुश रखें। सबसे पहले तो गिफ्ट खोल लेते हैं, ओके, गिफ्ट पेश किया जाए। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेरे पास शब्द ख़त्म हो जाते हैं, शब्द ख़त्म हो जाते हैं। ये आपके प्यार, ये आपकी गुरु दक्षिणा से, आपने कहा कि एक छोटी सी गुरु दक्षिणा तो नहीं है, मेरा प्यार है बेटे, मेरे प्यारे शिष्य, एक गुरु के लिए इससे ज़्यादा सम्मानजनक बात कोई हो ही नहीं सकती। सबसे पहले भैया हम इसे अनबॉक्स करेंगे आपके सामने, क्योंकि पैकेज आया हुआ था, हटा लिया उसे हमने। आहा, ओके, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी इस भेंट के लिए, और ट्रस्ट मी, ये पार्सल अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैंने तभी खोला है, क्योंकि आपकी इस इच्छा का सम्मान रखते हुए। एक कोइंसिडेंस आपको बताता हूँ,
आपकी सक्सेस स्टोरी जिस दिन रिसीव हुई उसी दिन ये पार्सल हमारे ऑफिस पे रिसीव हुआ था, और आज ही वो दिन है, इसलिए आज ही मैंने डिसाइड किया कि ये सक्सेस स्टोरी भी शूट होनी चाहिए और ये आपका गिफ्ट भी आज ओपन होना चाहिए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, ईश्वर करे आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारी सक्सेस आप शेयर कर पाए। अगर कभी बिलासपुर आना हुआ तो ज़रूर मैं आपसे भेंट करूँगा। बाकी के जो मेरे स्टूडेंट हैं जो ये सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, इसे हल्के में मत लेना भैया। अगर कोई परेशानी चल रही है जॉब से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, तो ये साइन है डायरेक्टली यूनिवर्स ने भेजा है सीधा आपके लिए। कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फटाफट से हेल्पलाइन पे संपर्क कीजिए और अपनी जिंदगी बेहतर नहीं, जिंदगी खूबसूरत बनाइए। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।